स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल साहिल फार्मा में। मैं फार्मेसिस्ट साहिल जैदी, आज मैं बात करने वाला हूँ कॉनकॉर्ड टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों कॉनकॉर्ड टैबलेट की किस बीमारी में यूज़ की जाती है, इसकी क्या सावधानियाँ होती हैं और इसका डोज क्या होता है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी इसको कैसे ये काम करती है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों कॉनकॉर्ड टैबलेट, जिसके अंदर कंपोजिशन जो होता है बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट इसके अंदर पाया जाता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ये जो टैबलेट होती है ये 2.5 mg में भी आती है, 5 mg में भी आती है, 7.5 mg में भी आती है और 10 mg में भी देखने को मिलती है। इसका जो मार्केट प्राइस होता है वो 96 रुपीज़ में होता है और इसको मार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। बात करते हैं इस टैबलेट को किस बीमारी में यूज़ किया जाता है। तो ये टैबलेट हार्ट डिजीज़ में बहुत ही यूज़ की जाने वाली दवा है। हार्ट डिजीज़ यानी हमारे जब BP बढ़ जाता है, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें इस टैबलेट का डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और इस टैबलेट को चलाते हैं। तो जानते हैं ये किस किस हार्ट की बीमारियों में इसको दिया जाता है। तो ये हमेशा हाइपरटेंशन में इसको दिया जाता है, इस टैबलेट को जब हाई BP हो जाता है उसमें इसको चलाया जाता है। तो दोस्तों ये एक बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती है। बीटा ब्लॉकर मेडिसिन का काम ये होता है, ये हार्ट की रेट को जो होती है उसको ये थोड़ा स्लो कर देती है। जैसे कि बीटा ब्लॉकर क्या काम करती है, जैसे हमारे एंजाइना होता है, एंजाइना में भी इस ड्रग को दिया जाता है, जो एंजाइना यानी चेस्ट पेन होने लगता है उसमें इस दवा को दिया जाता है। कार्डियक इस्चिमिया में यानी हार्ट रेट बढ़ जाती है उसमें इस टैबलेट को दिया जाता है। अरिदमिया में इस टैबलेट को दिया जाता है जिसमें हार्ट रेट इंक्रीज रहती है उसमें इस टैबलेट को दिया जाता है। तो उसमें ये टैबलेट अच्छा काम करती है, जब हमारे हार्ट अटैक से बचाती है टैबलेट, हमारे हार्ट अटैक को प्रिवेंट करती है ये टैबलेट, ये हमारे ब्लड फ्लो को अच्छा कर देती है और आर्टरीज को फैला देती है जिससे हमारा ब्लड फ्लो अच्छा हो सके, हमारा BP कम हो जाए और पेशेंट को चेस्ट पेन और एंजाइना से रिलीफ मिल सके। इस कॉनकॉर्ड टैबलेट के वर्क के बारे में जानते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ये टैबलेट जो होती है ये हमारे BP को कम कर देती है और हमारी हार्ट रेट जो बढ़ जाती है उसको ये स्लो डाउन करती है, यानी स्लो करती है उसका हार्ट रेट को, जिससे हमारा BP स्लो हो जाता है, हमारी आर्टरी को थोड़ा नैरो कर देती है जिससे हमारा ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है और हमारा जो BP होता है जो कम हो जाता है और हमें रिलीफ मिल जाता है। तो इस टैबलेट को लेने में क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए हम लोग को, तो सावधानियाँ ये होती हैं, जैसे कि आप स्मोकर हैं यानी स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर टोबैको एडिक्टेड हैं यानी तंबाकू खाते हैं तो तंबाकू को भी छोड़ना पड़ेगा। ये सब हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, स्मोकिंग और तंबाकू हमारी कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं जिससे हमें हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सब सावधानियाँ इस टैबलेट को लेते टाइम आपको नहीं लेनी है, इसको अवॉइड करना है, स्मोकिंग को और तंबाकू को। जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इस टैबलेट के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, फटीग हो जाता है, हार्ट रेट को स्लो कर देती है, तो उसमें हार्ट रेट को बढ़ाने वाली भी मेडिसिन दी जाती हैं साथ में, बाकी ये डिजीनेस चक्कर आने लगता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है यानी सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और नौजिया वॉमिटिंग भी कुछ कुछ पेशेंट में दिखती है। तो ये सब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इस टैबलेट के डोज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसका जो डोज़ 2.5 mg से 5 mg डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं और OD में इसका डोज़ दिया जाता है पेशेंट्स को। तो अकॉर्डिंग टू कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके फिर ही इस मेडिसिन को लें। कोई भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं ले। अगर हमारी वीडियो में आपको इस कॉनकॉर्ड टैबलेट से रिलेटेड अच्छी और कंप्लीट नॉलेज मिली होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साहिल फार्मा।